please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अमिताभ सिन्हा इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि डॉक्टरों के विरोध के बावजूद सरकार नेशनल मेडिकल कमीशन बिल से पीछे नहीं हटेगी। सरकार ने कहा है कि इस बिल का उद्देश्य मेडिकल एजुकेशन को आगे बढ़ाना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है और डॉक्टरों की संख्या को बढ़ाना है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को नेशनल मेडिकल कमीशन बिल 2017 के प्रावधानों से एतराज है। नए बिल के मुताबिक अब तक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 15% सीटों की फीस मैनेजमेंट तय करती थी, लेकिन नए बिल के मुताबिक मैनेजमेंट को 60% सीटों की फीस तय करने का अधिकार होगा। पहले आईएमए में 130 सदस्य होते थे और हर राज्य के 3 प्रतिनिधि, अब नए बिल के मुताबिक कुल 25 सदस्य होंगे। और अमिताभ सिन्हा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सरकार ने साफ कर दिया है कि डॉक्टरों के विरोध के बावजूद वो इस बिल को से पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल, दो चीजें साफ है। सरकार ने कहा कि सभी पक्षों से बातचीत कर एक सहमति बनाई गई थी, उसके बाद ही सरकार इस बिल के प्रारूप को तैयार किया जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है और जिसको आगे बढ़ाना और इसे आज संसद में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पेश भी करेंगे और इसे पास करवाने की कोशिश भी आज लोकसभा में की जाएगी। तो जाहिर तौर पर सरकार इस बिल को लेकर संकल्प है और सीधे सीधे इशारा कर दिया है कि अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं उठता और बिल सरकार पेश करेगी और पारित करवाने की कोशिश करेगी। डॉक्टरों की हड़ताल बेमानी है क्योंकि ये पूरे एमसीआई का जो जाल था उसको तोड़ने के लिए ये कोशिश की जा रही है ताकि नेशनल मेडिकल काउंसिल बिल बने। जी शुक्रिया मिता। उधर देश भर के करीब 3 लाख डॉक्टर नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के विरोध में हैं। देश के अस्पतालों में शाम 6 बजे तक ओपीडी बंद रहेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने नेशनल मेडिकल कमीशन बिल को गरीब विरोधी और जन विरोधी बताया है। हालांकि डॉक्टरों की हड़ताल को बड़ा असर मेडिकल सेवाओं पर देखने को नहीं मिल रहा है। पूरे देश में आज डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यह स्ट्राइक बुलाया है। आप देख सकते हैं इस पोस्टर में यहाँ लिखा हुआ है ब्लैक डे और 2 जनवरी। आज के दिन जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है वो ब्लैक डे मना रहा है क्योंकि जो एनएफसी है, नेशनल मेडिकल कमीशन बिल, वो संसद में टेबल हुआ है, संसद पटल में रखा गया है। उसकी वजह से जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज ये स्ट्राइक बुलाया। मेरे साथ यहाँ पर काफी डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आज यहाँ पर ये जो हड़ताल है इसमें भाग ले रहे हैं। सबसे पहले इनसे पूछ लेते हैं, सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा और क्यों आज ये स्ट्राइक कर रहे हैं। I am Dr. A. Marthandapillai. I am the past national president of IMA and chairman of Action Committee. We are against this bill because it is entirely undemocratic, non-representative. उन्होंने minimum 60% कर दिया। उनका कहना है कि 1-40% तक government के control में रहेंगी सीट। 1-40% means it can be 1% also, it can be 10% also, it can be 20% also. But 60% सीट जो है वो private sector को खुली छूट दे दी गई है कि अपने आप से। मुझे मेरे हिसाब से तो ये bill जो है pro rich है। गुड़गांव में practice करता हूँ, मेरा एक छोटा सा अपना nursing home है और मेरा ये कहना है कि इस बिल के आने से छोटे सारे नर्सिंग होम्स बंद हो जाएंगे क्योंकि हम इनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा ही नहीं कर सकते। और एक बात देश के लोगों को और सरकार को समझ लेनी चाहिए कि देश की स्वास्थ्य सेवाएं 80% छोटे नर्सिंग होम देते हैं जो एक या तो सिंगल डॉक्टर से या एक कपल डॉक्टर के द्वारा चलाए जाते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि सरकार हर चीज़ को अपने कंट्रोल के अंदर ले ले, अदरवाइज तो फिर ऐसी बॉडीज का फायदा ही कोई नहीं है। आप क्यों बनाना चाहते हो ऐसा कमीशन जिसके अंदर की ज्वाइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी हर चीज को डिक्टेट करेगा और उसके हिसाब से चलेगा। आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर ने 12 घंटे हड़ताल पर चले गए हैं। ये हड़ताल सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रहेगी। उनकी मांग है कि नेशनल मेडिकल कमीशन जो बिल है उसमें जो मेडिकल काउंसिल है उनसे हटा दिया जाए और ये जो पूरा बिल है वो संवैधानिक नहीं है और लोगों के खिलाफ है। उसी के विरोध में आईएमए के डॉक्टर ने 12 घंटे की हड़ताल की है और इस समय हम मुंबई के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के एम के बाहर हैं, लेकिन यहाँ पर हड़ताल का
कुछ भी असर नहीं दिख रहा है। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो गेट नंबर 16 है वो ओपीडी का गेट है और ओपीडी में जितने भी डॉक्टर हैं पेशेंट हैं वो आसानी से अंदर जा रहे हैं और ओपीडी पूरी तरह से खुली हुई है, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं आ रही है। हालांकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोगों का कहना है कि जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, जो सरकारी अस्पताल हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उसमें ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है। और आई में एक एनजीओ है जिसमें डॉक्टर्स अपना डिसीजन खुद दे सकते हैं कि वो स्ट्राइक में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। लेकिन मुंबई में, अगर हम मुंबई में बात करें तो मुंबई में कई ऐसे सरकारी हॉस्पिटल हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहां पर ये जो आईएमए की हड़ताल है उसका असर नहीं दिख रहा है। अधिकतर अस्पतालों में ओपीडी शुरू है। हालांकि आईएमए के डॉक्टर ने साफ तौर पर कहा था कि जो ये 12 घंटे की हड़ताल है उसमें सिर्फ ओपीडी के डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे, लेकिन जो एमरजेंसी या फिर जो क्रिटिकल कोई भी केस आते हैं उसको वो अटेंड करेंगे। लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मुंबई के जो सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जेजे की बात करें या एमकेएम की बात करें, वहाँ पर सभी जगह पर ओपीडी खुली हुई है, डॉक्टर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं और जितने पेशेंट्स आ रहे हैं उन्हें इलाज के लिए अंदर भेजा जा रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है। तो ये जो पूरी जो हड़ताल है उसका असर मुंबई के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में देखने को कम मिल रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन विनायक के साथ विवेक गुप्ता, News18 इंडिया। और अमित सिंह दिल्ली से बड़ी खबर दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर से बीजेपी सांसद नेपाल सिंह ने सैनिकों की शहादत पर विवादित बयान दिया है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद जब सांसद नेपाल सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सेना के जवान हैं तो जान तो जाएगी ही। यही नहीं, सांसद नेपाल सिंह ने सरहद पर गोलीबारी की तुलना गाँव में अक्सर होने वाले झगड़ों से कर दी। अभी छह हमारे जो जवान शहीद हो रोज मरेंगे आर्मी में। अच्छा, कोई ऐसा देश है जहाँ आर्मी का आदमी न मरता हो, झगड़ा हो? अच्छा, गाँव में भी झगड़ा होता है, लड़केबाजी होती है, देखा तो वायरल होगा ही। अभी छह हमारे जो जवान शहीद रोज मरेंगे आर्मी में। अच्छा, कोई ऐसा देश है जहाँ आर्मी का आदमी न मरता हो, झगड़ा हो? अच्छा, गाँव में भी झगड़ा होता है, लड़केबाजी होती है, देखा तो वायरल होगा ही। और इस बीच विवाद बढ़ने के बाद बीजेपी सांसद नेपाल सिंह ने माफी मांग ली। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के सांसद नेपाल सिंह। सर, जिस तरीके से बीते कल आपका बयान आया कि जिस तरीके से घाटी के पुलवामा में आतंकियों ने सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया, उसके बाद आपने कहा कि जो सेना में लोग जाते हैं वो मरने के लिए ही जाते हैं, ऐसा सेंटेंस मैंने नहीं बोला। और मैं तो सेना के प्रति मेरी ज़्यादा आस्था है, विश्वास है, ये देश के रक्षक हैं और देश का एक स्वाभिमान है जो वहाँ पर लड़ते हैं। और जो कल आए थे उनसे मैंने कहा कि वैज्ञानिक लगे होंगे तो उनको ऐसी चीज़ निकालने में जिससे गोली का असर सैनिक की शरीर पर ना हो। सर, सेना की अपमान की बात कही जा रही है कि जिस तरीके से आपका बयान आया है कि आपने आतंकी हमला और गांव की लड़ाइयों से जिस तरीके से तुलना की है सेना के जवानों का, सीआरपीएफ के जवानों की, इस तरीके से अपमान की बात कही जा रही है। मैंने कोई अपमान की बात नहीं कही, अगर कोई अपमान समझता है तो मैं उससे माफ़ी मांगता हूं, दुख प्रकट करता हूं, ऐसी कोई मैं से कही नहीं है। लेकिन जिन्होंने ये निकाला है वो समाज के पे धोखा किया है, मेरे पे धोखा किया है। जिस तरीके से जवानों के भावनाओं को ठेस पहुंची है, क्या इससे आप दुखी थे? देखिए, ठेस मैंने कहा नहीं, तब भी अगर किसी की भ्रामक प्रचार के कारण ठेस पहुँची है तो मुझे दुख है, मैं उसे क्षमा मांगता हूँ। सिर्फ नेपाल सिंह ही नहीं, यूपी के बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान दिया है। मुजफ्फरनगर के खतौली से विधायक विक्रम सैनी ने एक कार्यक्रम के दौरान खुद को कट्टर हिंदू बताया और भारत को हिंदुओं का देश बताया। विक्रम सैनी ने मुसलमानों को दाढ़ी वाला करार दिया और कहा कि अगर बंटवारे के वक्त कुछ नेताओं ने मुसलमानों को ना रोका होता तो बेहतर होता। मैं कट्टर हिंदूवादी हूँ, ये मेरी पहचान, मैं जातिवाद में कम विश्वास करता हूँ। हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है, अर्थात ये हिंदुओं का देश है। कुछ लालच नेताओं ने इन्हें धाड़ी वालों को यहाँ रोक दिया था कि आज हम मुझे ये भी अगर चले जाते हैं तो ये धन दौलत की सारी जमीन घेरों पड़े हैं, ये सारी हम लोगों की होती। उधर राजस्थान के अलवर में होने वाले लोकसभा उपचुनाव से पहले राजस्थान के बीजेपी विधायक बनवारी लाल सिंघल ने भी मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान दिया है। सिंघल ने आरोप लगाया कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं जबकि हिंदू कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, इससे देश में हिंदू खतरे में आ रहे हैं।
सिंघल ने मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या को एक साजिश करार दिया। मुस्लिम लोग केवल इस देश पर कब्जा कैसे किया जाए, इस चिंता में लगकर एक एक परिवार, एक एक दंपति 8, 10, 12, 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं। उनका टारगेट आने वाले 2025 तक, 2030 तक उनका जो टारगेट हो सकता है, वो मुझे लगता है कि इस देश में मुस्लिम आबादी के बढ़ा बढ़ाकर इस देश पर की राजनीति पर कब्जा करके अपने समाज के लोगों को प्रदेशों के मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनाने का 2030 तक उनका टारगेट हो सकता है। हिंदुओं को अपनी आबादी बढ़ानी चाहिए। आने वाले समय के लिए ये देश की आवश्यकता है कि सभी प्रदेश सरकार और देश की सरकार दो बच्चों का कानून बनाए। उसे आह्वान किया है कि या तो हम अपनी आबादी बढ़ाएं या देश की सरकारों से मांग करें हिंदू लोग कि सभी लोगों के लिए समान रूप से मुस्लिम को भी दो बच्चे से अधिक पैदा नहीं करने पर रोक लगाएं। वहीं बीजेपी विधायकों के विवादित बयान आने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी समर्थन करते नजर आए। देश के अंदर बढ़ती हुई जनसंख्या और खास करके मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या सामाजिक समरसता के लिए भी खतरा है और विकास के लिए भी खतरा है। और जहां जहां हिंदुओं की जनसंख्या गिरी है वहाँ वहाँ सामाजिक समरसता टूटा है, चाहे केरल का मल्लापुरम हो, चाहे बिहार का किशनगंज हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कैराना हो, चाहे बिहार का रानी सागर भोजपुर जिला का हो, कई हजारों उदाहरण हैं। तो विकास और सामाजिक समरसता के लिए ये अच्छा सूचक नहीं है, इसलिए देश में एक इस पर बहस होनी चाहिए और इस पर एक कानून बननी चाहिए विकास के लिए और सामाजिक समरसता के लिए। ये बात तो सही है कि मुस्लिम पॉपुलेशन दो कारणों से तेजी से बढ़ रही है, दो गुना जिस रेट में हिंदू बढ़ रहे हैं उसका दो गुना रेट में बढ़ रहे हैं। उसका आधा कारण है कि ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं और दूसरा है कि जो बाहर से लोग आते हैं उनको हम नजायज़ रूप से या उनको बसाते हैं, और ये मुस्लिम नहीं बसाता, ये तो हमारे हिंदू नेता जो हैं कांग्रेस के वही करते ज़्यादा। और मोहित मल्होत्रा एक बड़ी खबर दे रहे हैं। हरियाणा के पलवल में 6 लोगों की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक लोहे की रॉड से 6 लोगों की हत्या करने वाला साइको किलर है। पुलिस का कहना है कि 6 लोगों की हत्या का आरोपी मानसिक रूप से बीमार है। गिरफ्तारी के दौरान इसने पुलिस टीम पर भी हमला किया। पलवल के एक साइको किलर ने एक ही रात में लगभग 6 लोगों की हत्या कर दी। पहली हत्या उस साइको किलर ने इस अस्पताल में की। यहाँ का जो प्राइवेट अस्पताल है पलवल का, वहाँ पर एक महिला अटेंडेंट थी जो अपने मरीज के साथ यहाँ पर बैठी थी। तो सुबह के लगभग 2 बजे के आसपास पहला वार जो है उस साइको किलर ने इस महिला के ऊपर किया। इस वक्त उसकी शव को जो है वो बाहर ले जा रहा है अस्पताल से। और इस महिला की हत्या सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि उसके साथ ना कोई विवाद था ना ही कोई जान पहचान थी। सिर्फ ये साइको किलर यहाँ आया और उसने इस महिला के सर में तेज रॉड मारी और रॉड मारने के बाद यहाँ से ले गया। अभी इस वक्त आप भीड़ देख सकते हैं अस्पताल के अंदर। उसके बाद ये साइको किलर जो है बाहर निकला, उसके बाद दूसरे अस्पताल में गया, वहाँ पर उसने रॉड से एक और शख्स की हत्या की। उसके बाद सड़क पर जो भी उसे मिलता हुआ चला गया, उन सबके ऊपर उसने उस रॉड से भारी भरकम रॉड से उनके सिर पर चोट की, जिसके बाद उन लोगों को लगातार हर किसी के ऊपर चोट करते हुए चला गया। तो कुल मिलाकर 6 लोगों को एक ही रात में उसने मौत के घाट उतार दिया। और बताया जा रहा है कि आदर्श नगर इलाके से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उसने पुलिस के साथ भी, जब पुलिस उसे पकड़ रही थी तो उस वक्त उसको भी पुलिस के ऊपर भी उसने हमला कर दिया था रोड से, और उसके बाद पुलिस वालों ने बहुत मुश्किल से उसे पकड़ा है। बताया जा रहा है कि ये जो आरोपी है ये पहले भी यहाँ पर कई बार इस तरह की वारदात को अंजाम देने के लिए घूमता रहा है। और जो रॉड है आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो खून आपको दिख रहा है ये सारा खून देखिए, ये रॉड जो सिर में मारी है ये वो खून है जो ये दिखाई दे रहा है। क्योंकि अंदर वो महिला अटेंडेंट जो है वो अंदर थी, उसके बाद जो किलर था साइको किलर वो यहाँ से निकला और यहाँ से निकलने के बाद उसने रास्ते में जो जो लोग मिले उन सभी को मौत के घाट उतार दिया और ताबड़तोड़ रॉड से उनके ऊपर सिर पर प्रहार किए।
और बताया जा रहा है कि ये पूर्व फौजी है और मानसिक रूप से विक्षिप्त है, लेकिन अब पुलिस इससे पूरा पूछताछ करने की कोशिश कर रही है। हालांकि विक्षिप्त है, लेकिन जिस तरह से उसने एक के बाद एक 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और कुछ ही घंटों के अंदर, तो उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्योंकि सुरक्षा को लेकर कई अहम चीज़ें थी, लेकिन जो यहाँ के सीसीटीवी फुटेज है उस सीसीटीवी फुटेज में उस कातिल की जो है साइको किलर की जो है शक्ल आ गई, और क्योंकि उसके हाथ में एक रॉड थी और रॉड को वो लहराते हुए जा रहा था और उसके बाद उसने इन सभी वारदातों को अंजाम दे दिया। कैमरामैन के साथ दीपक बिस्ट, न्यूज 18 इंडिया, पलवल। मेरी बहू ने पूरा कहा करो लोटी लोटी के मारो है मेरे को न्याय ये मेरी बहू को कोई वो अकेली थी यहाँ पर? अकेली थी नीचे और से एक मेरी छोटी बहू एडमिट थी या उसके साथ में छोड़ गए रात को 10 बजे 10:30 बजे। मैंने मना भी करा मगर भाई तुम मत आना। तो हरियाणा के पलवल में 6 लोगों की बेरहमी से जिस शख्स ने हत्या करने का जिस पर आरोप है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस के मुताबिक ये एक साइको किलर है।